उनकी पिता की भूमिका निभा रहे हैं देवेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको जानना चाहूंगी तलवार से कि गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग कैसे ये नाम क्लिक हुआ, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया? ध्यान का जो विषय है उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। और जब भी हमको ध्यान में जाना होता है तो सबसे बड़ा विघ्न हमारी जिंदगी में आता है जब हम दिनचर्या में अपने आप को एक हर सागर में डूबे खोए रोते खाते अपने आप को महसूस करते हैं। जब एक लड़ी सुख मन मेरी को भर देगी तब देह मेरा बांसुरी बने सब राग मधुर स्वर में बजे स्वर में बजे। शांति का एहसास हमें हुआ, वो एक सुख जो कहते हैं आवाज सुनने के बाद होता है, वाकई में हमें वो एहसास भी हुआ। आपको जानना चाहूंगी दरबार साहब की जैसे एक हमारी बिटिया है जो बड़े सपने देखती थी और फिर अपनी बहन से लड़ती थी और फिर कुछ भी करने को तैयार है, आपस में देखिए लड़ाई होगी तो बस हो गया। तो जब वो ध्यान करती है तो उसका वो आकर्षक होती है एक चीज के ऊपर। देखिए छोटी सी कहानी है, बहुत सिंपल है, सरल है, मगर उसके अंदर जो बदलाव आता है, ऐसा बदलाव आप भी अपने अंदर जब आप ये ध्यान करेंगे, कभी भी आप इस ध्यान के बारे में पूरी फिल्म के एंड में आपको पता चलेगा कि ये क्या है, तो आप इसको जरूर करिए। और करने के बाद आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप अपने आप को आज आप देख पा रहे हैं। मेरा बस यही मैसेज है, अगर आप देख पाए तो मेरे को लगेगा कि मेरी फिल्म चाहिए। जी, इतने अच्छे टॉपिक के साथ अभी फिल्म लेकर आ रहे हैं, इतना अच्छा आपने एक स्टेप लिया है, आई होप ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दे। इस आशा के साथ आप सभी का फिल्म आने के लिए बहुत मेन लीड भूमिका शर्मा से और साथ ही साथ इस फिल्म में उनकी माँ का किरदार निभा रही अंजू जी ने, गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग। सबसे पहले जानना चाहूंगी आप दोनों से इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं। गृहलक्ष्मी जो है ये दो बहनों की कहानी है। एक सीधा साधा सा परिवार है, मेरे साथ फैमिली है, छोटा सा परिवार है, लेकिन जो मेरा किरदार है समाज एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई जाए जिससे कि हम लोग कुछ मैसेज लेकर जाए और ध्यान को भी घर में ट्राई करें जी। क्योंकि इतना आसान ध्यान है, इधर आपको किसी को गुरु नहीं मानना, आपको खुद अपना गुरु बनना है। कोई अच्छा सा मैसेज आप हमारे दर्शक को देना चाहें तो? जैसे एक हमारी बिटिया है जो बड़े सपने देखती थी और फिर अपनी बहन से लड़ती थी और फिर कुछ भी करने को तैयार है, आपस में देखिए लड़ाई हो गई तो बस हो गया। तो जब वो ध्यान करती है तो उसका वो आकर्षक होती है एक चीज के ऊपर। देखिए छोटी सी कहानी है, बहुत सिंपल है, सरल है, मगर उसके अंदर जो बदलाव आता है, ऐसा बदलाव आप भी अपने अंदर जब आप ये ध्यान करेंगे, कभी भी आप इस ध्यान के बारे में पूरी फिल्म के एंड में आपको पता चलेगा कि ये क्या है, तो आप इसको जरूर करिए। और करने के बाद आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आप अपने आप को आज आप देख पा रहे हैं। मेरा बस यही मैसेज है, अगर आप देख पाए तो मेरे को लगेगा कि मेरी फिल्म चल गई। जी, इतने अच्छे टॉपिक के साथ अभी फिल्म लेकर आ रहे हैं, इतना अच्छा आपने एक स्टेप लिया है, आई होप ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दे। इस आशा के साथ आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब आपको मिलवाएंगे इस फिल्म की मेन लीड भूमिका शर्मा से और साथ ही साथ इस फिल्म में उनकी माँ का किरदार निभा रही अंजू जी से, गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग। सबसे पहले जानना चाहूंगी आप दोनों से इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं। गृहलक्ष्मी जो है ये दो बहनों की कहानी है।
एक सीधा साधा सा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, छोटा सा परिवार है, लेकिन जो मेरा किरदार है समायरा, परिवार छोटा सा है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। अच्छा, तो बस वही महत्वाकांक्षाएं, उन्हें चेज करना, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है लेकिन जाना कहीं और है। तो यही सीरीज ये दिखाया है, आपके भाव दिखाए हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन कराया जाता है आपसे सहज योगा से। तो फिर उसको अपनाने के बाद उस लड़की में ही नहीं उसकी फैमिली में भी क्या चेंजेस आते हैं, ये कहानी है। एक्चुअली हम लोग तो काफी सालों से सहज योगा जो है वो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, और हमारे ही एक सहयोगी है संजय तलवार जी, जिन्होंने इस पिक्चर को बनाने के लिए, जो कि आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन से, तो उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने सब जगह मैसेज भेजा और मैं ऑडिशंस के लिए गई और उन्होंने मुझे इनकी मदर के लिए चूज कर लिया। तो ये आपकी भी पहली फिल्म है और आपने इसमें इनकी माँ का किरदार निभाया है। जानना चाहूंगी, पहली फिल्म थी, कहीं थोड़ा बहुत नर्वस थी आप, और जानती योगा से तो आप बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, मेडिटेशन से आप बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उस चीज को कैमरे के आगे जीना, उस किरदार को फेस करना, कितना मुश्किल था आपके लिए? तो सच में कहूँ तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि रियल लाइफ में मेरी खुद की इतनी ही बड़ी दो बेटियां हैं, लेकिन हम लोग जैसे पूरी फैमिली मेडिटेशन से जुड़ी हुई, तो आजकल जो यूथ की प्रॉब्लम है उसमें कहीं ना कहीं हम भी उसको फेस करते हैं, बच्चों को समझाना, उनको सही राह पे लाना, और कहीं पर वो रेड रेस में ना फंसे, जो आजकल पीयर प्रेशर में आकर वो लोग रेड रेस में फंस जाते हैं और गलत डिसीजंस लेते हैं और परिवार से माँ बाप से वो बातें छुपाते हैं जी। तो ये सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लेवल पे हम सब अपनी लाइफ में फील करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन मेडिटेशन की मदद से वी ओवरकम दैट। और इसीलिए इस पिक्चर में भी यही मैसेज है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को, इनर सेल्फ को जान पाते हैं, और उससे फिर आप जब आपके पास अपनी खुद की पावर है तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट फील गेट इनटू द ट्रैप ऑफ पीयर प्रेशर और स्ट्रेस। आपसे जानना चाहूंगी भूमिका, कितना मुश्किल था समायरा का किरदार निभाना? मेरा जो कैरेक्टर है एज एन भूमिका का, और समायरा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग है। अच्छा, मेरे फैमिली शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी उन्हें सब में रही है, बट समायरा का तो बिल्कुल ही अलग ही था। तो वो एक्चुअल में देखा जाए कि आज की जनरेशन जो जा रही है जिमिंग करना है एंड पार्टीज करना है, फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे उसमें ढलना था। तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब चैलेंज था मेरे लिए। मेरी जो छोटी बहन का किरदार जिसने निभाया है कशिश, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा, क्योंकि उसका सर्कल वो थोड़ा है, मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी, वो थोड़ा सा है उसका एक्सप्रेशन, और उसने मेरी हेल्प करी थी उस चीज में। बट एक चीज, जब समायरा सहज योगा ज्वाइन कर लेती है उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आते हैं, मैं उस चीज से अपने आप को कनेक्ट करती हूँ। अच्छा। क्योंकि इस मूवी में आने के बाद मैंने भी सहज योगा को प्रैक्टिस करना शुरू किया था भूमिका ने, उसके बाद वो फेज ऐसा आया कि समायरा भी प्रैक्टिस करती है।
तो मैंने अपने आप को वहाँ कनेक्ट किया अच्छे से। जब आपने फर्स्ट टाइम मेडिटेट किया, जब आप कहीं होंगे सेट में देखा होगा इतना सुंदर माहौल है, हर लोग इतने शांत, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिटेशन के जो लोग होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, इतना शोर शराबा नहीं होता शायद सेट पे, तो कैसा माहौल था सेट का? वो स्पिरिचुअलिटी आपको दिख रही थी, वो शांत माहौल, वो मेडिटेशन? हमारी टीम ऑलमोस्ट सारे ही सहजी हैं, तो उस माहौल में आना वो वाइब्रेशन से अलग थी। अच्छा, कि कितना सुकून आपको फील हो जाएगा जाते आप, मतलब कि बातें आपने ना भी करना शुरू करी, आप बस बैठ जाओ उनके साथ, तो एक होता है ना ऑरा होता है हर एक बंदे का, तो आप उस चीज को फील करते हो। तो वहां पे आके मुझे सच में बहुत ही सुकून मिला और मैंने अपने आप को और उठाया, अपब्रिंगिंग मतलब कि मेरा बहुत ही अच्छा रहा उस टाइम पे। आपसे जानना चाहूंगी अंजू जी, मेडिटेशन किस तरह से इंसान को बदल देता है, अगर हम आज के युवा की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगी उन्हें आप, जो कि जिनका लाइफस्टाइल ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, छोटी छोटी उम्र में बच्चों को बीमारियां लगने लगी हैं, वो बीमारियां जो अक्सर हम 50-60 की उम्र में जाके सुनते थे। मेडिटेशन के थ्रू जो आपका फोकस है वो आपकी खुद पे आता है और आप खुद की पावर को जानते हैं, आप और जानते ही नहीं है आप उनको यूज करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जी, एंड we get a kind of you know peace ki you cannot get everything is not like a contentment hai जी. एक feeling of satisfaction जी. है जो इसमें आपको मिलती है जी. and सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना जी. आपको कोई कोशिश नहीं करनी, you just have to have pure desire that you want to feel the divine power okay and it gets awakened and you get the feeling like the fruits of the meditation. पहले फिल्म को देखने के बाद जो हमारी शक्ति है वो और अवेकन हो जाएगी और हम पहचान पाएंगे अपने आप को, हम खुद से मिल पाएंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, आई होप ये फिल्म जो है हिट हो और सबको ये फिल्म पसंद आए, जिस विषय को आप लेकर आए हैं उस विषय को हर कोई समझे और उस पर ध्यान भी दे। तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप ये यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़े जिसका आप खुद में महसूस कर सकते हैं, ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, ये अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने का माध्यम है सहज योगा।